गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल द ब्यूटी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड वेल। मैं आज अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ सरोजनी नगर। ये है मेरी फ्रेंड सोनाली और ये है रीता। हम थोड़ा चल रहे हैं, फिर उसके बाद पूरा मार्केट का टूर आपको कराऊंगी। तो गाइज स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना मेरे चैनल को। तो गाइस मैंने यहाँ पे बस से आई थी एंड आप लोग देख सकते हैं मैंने पीछे की साइड से एंट्री ली है। एंड यहाँ पे ना हमने थोड़ा पहले कुछ पेट पूजा करी है तो हमने यहाँ पे गोलगप्पे खाए एंड उसके बाद शॉपिंग स्टार्ट करी। तो यहाँ पे ना ये 30-30 रुपीज़ के इयरिंग्स मिल रहे थे, मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा तो मैंने नहीं ले। देन गाइस यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ के चॉकर्स एंड 100 रुपीज़ के डेनिम्स मिल जाएंगी, जीन्स जी हाँ। देन उसके बाद हम मेन मार्केट में सीधे एंटर हो गए एंड मेन मार्केट में एंटर होते ही ना गाइस मैंने वहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मतलब चीज़ें देखी। लाइक ये 300 रुपीज़ का कुर्ता एंड प्लाजो का सेट मिल रहा था, कॉटन का था, प्योर कॉटन का जी हाँ। एंड कलर्स काफ़ी अच्छे अच्छे अवेलेबल थे तो मैंने यहाँ पे ना जो अभी भैया दिखा रहे थे कुर्ता वो मैंने ले लिया था, पूरा सेट था ये जी हाँ। एंड इसमें आपको बहुत सारे कलर्स प्लस वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइस जी हाँ। मैंने ना यहाँ पे मतलब बहुत सारे कुर्ते एंड प्लाजो के सूट देखे जो कि 400 नहीं ओनली 300 रुपये में मिल रहे थे एंड प्योर कॉटन के थे। एंड गाइस मैं यहाँ पे लगा लगा के भी देख रही थी तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो ले लिया। लाइक आपको अगर कुर्ता प्लाजो का सेट चाहिए तो आप यहाँ पे चले जाना। एंड देन गाइस हम 150 रुपीज़ के यहाँ पे पैंट्स भी देख रहे थे, पैंट्स कैप्रीज जी हाँ जो आप चाहें वो देख सकते हैं। ये भी काफ़ी कंफर्टेबल थी एंड काफ़ी फ्लेक्सिबल भी थी ओनली 150 रुपीज़ में एंड फैशनेबल भी थी गाइस। एंड जब मैं आगे की तरफ आई तो मैंने 300 रुपीज़ के नए बड़े बड़े से बैग्स देखे, ब्लैक में, वाइट में, और भी कलर्स अवेलेबल थे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। प्रिंट्स भी काफ़ी सारे अवेलेबल थे ओनली 300 रुपीज़ में, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे। एंड गाइस जब मैं आगे की तरफ आई तो मैंने यहाँ पे शर्ट्स देखी एंड कुछ टॉप्स देखे जी हाँ। ये मुझे मिल रहे थे 100 रुपीज़ में मिल रहे थे एंड आप लोग देख सकते हैं इनके कलर्स एंड प्लस इनके पैटर्न्स किस तरीके से, कुछ जॉर्जेट टाइप के फैब्रिक में थे एंड क्रॉप शर्ट्स भी मिल रही थी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी हाँ। तो गाइस जब मैं आगे की तरफ आई ना मैंने मतलब काफ़ी सारी आइटम्स देखी जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी एंड वीडियो में प्लीज़ एंड तक ज़रूर बने रहेगा गाइस जी हाँ। ये सारे मुझे पैटर्न्स वगैरह जो थे काफ़ी सारे मिल रहे थे एंड शर्ट्स भी काफ़ी अच्छी अच्छी मिल रही थी, आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं 100 या 50 रुपीज़ में भी शर्ट्स जी हाँ। देन जब मैं आगे की तरफ आई तो मैंने ना 200 रुपीज़ के ये कुर्ते देखे गाइस, ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इनका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा था आप लोग देख सकते हैं एंड शाइनिंग भी थी, तो कुछ होता ना कपड़ों में शाइनिंग नहीं है तो ऐसा नहीं था, यहाँ पे एकदम ब्रांड न्यू मिल रहे थे। एंड पैटर्न्स भी कलर्स भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस तरीके से मैं आपको शो कर रही हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे मिल रहे थे। एंड अगर आपको कभी भी शॉपिंग करनी हो ना तो आप एक बार सरोजनी नगर समर्स के अंदर तो ज़रूर विजिट करना जी हाँ गाइस। एंड जब मैं आगे की तरफ आई तो मैंने यहाँ पे ना 150 रुपीज़ की यहाँ पे दोबारा पैंट्स देखी एंड पैंट्स का तो इतना ज़्यादा वाइड वैरायटी में कलेक्शन था बहुत ही ज़्यादा कि बस मैं क्या ही बताऊँ। ओनली 150 रुपीज़ में गाइस आप यहाँ पे ऑफिस वेयर टाइप्स की पैंट्स ले सकते हैं, आप यहाँ पे पार्टीज वेयर की ले सकते हैं या कुछ और डिफरेंट कलर चाहिए, न्यू कलर चाहिए, कुछ भी टाइप में आपको यहाँ पे पैंट्स मिल जाएंगी जी हाँ। एंड जो वाकई में बहुत अच्छी लगती है एंड यहाँ पे डिज़ाइंस भी काफ़ी सारे अवेलेबल थे पैंट्स के अंदर जी हाँ। ओनली 150 रुपीज़ में गाइस, मतलब सरोजनी जाना ना अगर मैं जाऊँ तो मैं पैंट्स तो ज़रूर लेकर आती हूँ जी हाँ। देन मैं आगे की तरफ आई तो यहाँ पे ना 200 रुपीज़ के मैंने यहाँ पे दोबारा से कुर्ते देखे एंड लॉन्ग टॉप्स देखे जी हाँ। ये कुर्ते एंड लॉन्ग टॉप्स जो है एक ही साथ टंगे हुए थे तो आप लोगों को मैंने इसका पैटर्न एंड डिज़ाइन दिखा रही हूँ कि आप लोगों को कैसे लगाओ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वहाँ पे एकदम पूरा न्यू कलेक्शन आया हुआ था जी हाँ, तो एकदम समर्स के अंदर। एंड गाइस जब मैं आगे की तरफ आई तो मैंने यहाँ पे प्लेन कलर के ना ये टी शर्ट्स वाले वन पीस देखे थे एंड ये वाले कुछ शर्ट्स देखे थे, शर्ट्स एंड वन पीस जो थे वो एक ही साथ टंग रहे थे एक ही स्टॉल पर जी हाँ। तो मैं आपको ऐसे ही शो कर रही हूँ आप लोग देख सकते हैं। एंड गाइस मैंने यहाँ पे बहुत सारे टॉप्स देखे आप लोग देख सकते हैं, एक तो ये मेरे को अच्छा लगा था ब्लैक वाला टॉप तो गाइस ये ना मैंने परचेज़ भी कर लिया था। एंड आप लोग देख सकते हैं आगे भी काफ़ी सारे टॉप्स लगे हैं, कुर्ते लगे हैं एक ही वैरायटी में जी हाँ। एंड आप लोग देख सकते हैं जब मैं आगे आई ना तो मैंने क्रॉप टॉप्स देखे, पैटर्न सेम था, कलर्स काफ़ी सारे अच्छे अच्छे थे। देन इसके बाद मेरी फ्रेंड ने यहाँ पे प्लेन कलर की टी शर्ट ली है, यहाँ पे लॉन्ग कोट्स भी टन रहे थे एंड कोट सेट्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिल रहे थे यहाँ पे 400 की रेंज में जी हाँ गाइस। एंड इसके बाद मैं आगे आई तो मैंने ना यहाँ पे 50 रुपीज़ में ये देखे थे टॉप्स जी हाँ, आप लोगों को दिख रहा होगा गाइस थोड़ा बहुत ही एक्चुअली
ना रश हो रहा था तो मैं ढंग से शूट नहीं कर पा रही थी। एंड वहाँ पे भी ना स्टॉल्स वाले मना करते हैं कि आप लोग शूट नहीं कर सकते, बट फिर भी मैंने शूट करा। ये 50 रुपीज का बहुत अच्छा टॉप लगा था, तो गाइस मैंने ये भी बाय कर लिया था। लाइक बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि इसे रख दूँ, बट मैंने बाद में बाय कर लिया। एंड आप लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आई ना तो 50 रुपीज में काफ़ी अच्छी शर्ट मिल गई, लाइक बहुत अच्छी लग रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने इसे नहीं खरीदा क्योंकि ये थोड़ी छोटी थी। एंड इसके बाद ये 50 रुपीज़ में कपड़े मिल रहे थे, तो गाइस मेरी फ्रेंड ने अपने लिए भी 2-3 टॉप्स यहाँ से बाय करे थे, जी आप लोग देख सकते हैं। एंड गाइस जब हम आगे की तरफ आए ना तो आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल डेज में भी अगर आप जाएंगे तो रश तो आपको मिलेगा ही, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि सरोजनी नगर है भैया, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं एंड लड़के भी आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो गाइस आगे की तरफ जब मैं आई ना यहाँ पे 50 रुपीज के तो काफ़ी सारे स्टॉल लगे थे टॉप्स के। लाइक आपको वाइड वैरायटी मिल जाएगी, रेंजेस मिल जाएगी। एंड कुछ टॉप जो थे मुझे मतलब पहने हुए भी लग रहे थे सीरियसली बताऊँ तो, एंड कुछ जो थे वो एकदम न्यू लग रहे थे, जैसे कि वो शर्ट थी एंड एक टॉप और था। तो गाइस आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आप इन्हें 50 रुपीज़ वालों को मत लेना। बट हाँ इनमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, मैं खुद लेकर आई हूँ 2-4 बारी, तो आप लोग देख सकते हैं। एंड मैंने अब भी खरीदे थे टॉप्स, तो आप लोग देख सकते हैं मैं आपको किस तरीके से ये टॉप सिखा रही हूँ। एंड आपको जो भी अच्छा लगा हो ना वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस। एंड एक बार तो आप लोग खुद भी सरोजनी नगर विजिट करना। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको जब वेराइटीज़ दिखा रही थी मैं आगे की तरफ पहुँच गई, यहाँ पे भी 50 रुपीज़ के काफ़ी सारे स्टॉल्स लग रहे थे। यहाँ पे शर्ट्स काफ़ी अच्छी अच्छी मिल रही थी, हर टाइप की शर्ट थी यहाँ पे। ऑब्वियसली ये सारी डिज़ाइनिंग शर्ट थी, बट मुझे चेक की शर्ट चाहिए थी तो चेक की शर्ट यहाँ पे नहीं मिली। एंड मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बहुत सारे शर्ट के कलर्स देखे, पैटर्न्स देखे, जैसे कि ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, ब्लू हो गया, स्काई ब्लू हो गया एंड ग्रीन फ्लोरल हो गया, जैसे कि भी आपको दिखाया है ना, आप लोग देख सकते हैं। एंड गाइस ऊपर की तरफ भी ना इन लोगों ने क्या कर रखा था, ड्रेसेस टांग रखी थी जो शर्ट वाली थी एंड लॉन्ग शर्ट्स भी को भी टांगा हुआ था। तो गाइस मैं भी आपको दिखाऊंगी, आप लोग देख सकते हैं वैसे इतनी अच्छी वैरायटी मिल रही थी यहाँ पे। एंड अब बारी आती है आपको पैंट्स दिखाने की, पैंट्स की तो लाइक आप पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी लेकिन वैरायटीज़ ख़त्म नहीं होंगी। ये गाइस 150 रुपीज़ की पैंट्स मिल रही थी एंड आप लोग देख सकते हैं आपको चेक प्रिंट में भी चाहिए वैसे मिल जाएंगी, आपको नॉर्मल चाहिए वो भी मिल जाएंगी, कलर्स में चाहिए डिफरेंट कलर्स में वो भी मिल जाएंगी ओनली 150 रुपीज़ में गाइस। जी हाँ, तो यहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल कलर्स थे एंड मेरा सच में दिल आ रहा था पैंट्स के ऊपर कि मैं ले लूँ, एंड मैंने बाय भी करी है। जी हाँ, तो वहाँ पे मुझे क्रीम कलर की पैंट काफ़ी अच्छी लगी एंड मैंने वो बाय भी करी है। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं पैंट्स का कोई ब्लैक और ब्लू कलर नहीं, यहाँ पे हर टाइप का कलर अवेलेबल था, जो आप चाहते हैं वो ले सकते हैं। जी हाँ, एंड मेरी फ्रेंड ने भी यहाँ पे इसे बाय करी है। तो आपको कैसी लगती है सरोजनी नगर की पैंट्स ये वाली, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देन गाइस मैं आगे की तरफ आई तो मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ के टॉप्स देखे, मैं ट्राई करके दिखा रही थी एंड मैं देख भी रही थी कि कौन सा अच्छा लगा वही ले लूँगी। जी हाँ, तो मुझे इस स्टॉल में कोई भी अच्छा नहीं लगा। एंड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देन 100 रुपीज़ की डेनिम्स भी मिल रही थी। देन फिर से गाइस मतलब इस बार तो ना समर्स में 50 रुपीज़ के इतने सारे स्टॉल्स लग रहे थे आपको मिल जाएंगे टॉप्स के, एंड ना 150 रुपीज़ में 100 रुपीज़ में पैंट्स मिल रही थी। तो आप ज़रूर जाना, अगर आप पैंट्स या फिर टॉप्स पहनते हैं तो आप ज़रूर जाना सरोजनी नगर बाय करने। एंड गाइस फिर मैं थोड़ा सा ना मार्केट में आगे की तरफ चलने लगी, देन फिर से मैंने पैंट्स देखी यहाँ पे, मेरी फ्रेंड को भी काफ़ी अच्छी लगी थी पैंट एंड उन्होंने यहाँ से बाय भी करी है। जी हाँ, तो मैं आपको पूरा पैटर्न दिखा रही हूँ आपको किस किस टाइप में पैंट्स मिल जाएंगी, हर टाइप के अवेलेबल थे। एंड मैं गाइस ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे ना ऑलरेडी थोड़ा लेट हो रहा था, तो बाकी मैं आपको पूरा मार्केट एक्सप्लोर करके दिखा दी। एंड फाइनली मेरी फ्रेंड ने यहाँ पे आपको भी दिखाने के लिए अच्छे से शूट करवाया उसने मेरा। एंड वैरायटीज़ कलर्स तो मैंने आपको पहले दिखाया है कि भर भर के हैं, आप जाएं तो प्लीज़ ज़रूर पैंट्स लेकर आइएगा। अब तो फाइनली हमने यहाँ से पैंट ले ली थी एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर कराती हूँ लाइक आपको क्या क्या और मिल सकता है 300 रुपीज़ में। तो
कुर्ते का सेट मिल जाएगा आपको। एंड जब आप आएंगे ना तो आपको 150 रुपीस में ये ज्वेलरीज मिल जाएंगी, लाइक रिंग्स मिल जाएंगी, इयर रिंग्स मिल जाएंगे, जी हाँ आप लोग देख सकते हैं, ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे, जी हाँ। एंड थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी शूट करा क्योंकि गाइस मुझे थोड़ा लेट हो रहा था इसी वजह से। एंड आप लोग देख सकते हैं गाइस, तो यहाँ पे रिंग्स वगैरह भी अच्छी मिल रही थी। देन आगे की तरफ गई तो प्लेन टी शर्ट मिल रही थी 200 रुपीस की, एंड इयर रिंग्स थे यहाँ पे 250 के ऊपर वाले, 200 रुपीस के बीए वाले जो मैंने छू रखे हैं अभी, एंड 100 के नीचे थे, एंड उससे नीचे जो थे वो 50 रुपीस के इयर रिंग्स है, तो आप लोग देख सकते हैं, जी हाँ गाइस। देन अब मैं थोड़ा सा और आगे गई ना तो मैंने वहाँ पे फुटवेयर्स की वैरायटी भी देखी, 300 रुपीस में मिल रही थी, टी शर्ट्स थी 200 रुपीस में। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको पूरा जो है जल्दी जल्दी से मार्केट एक्सप्लोर करा रही हूँ। 250 रुपीस में बच्चों के लिए कॉटन की फ्रॉक्स थी, एंड 150 रुपए में मतलब पैंट्स तो काफी सारी मिल रही थी, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो फाइनली मेरी शॉपिंग हो गई। सो गाइस मैंने ना अपना सामान ले लिया जो मुझे लेना था, एंड अब बहुत लेट हो रही हूँ मैं, तो व्लॉग को यही एंड करती हूँ। एंड वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो। तब तक के लिए गाइस बाय, एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट।